पहले हुए गैंग रेप के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि लखनऊ की युवती के साथ देहरादून से अगवा कर तीन युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जब वह लखनऊ से घूमने के लिए देहरादून आई थी। बाद में उक्त आरोपियों ने पीड़िता को बदहवास हालत में सहारनपुर देहरादून हाईवे के गागलहेड़ी क्षेत्र में फेंक दिया था। युवती को नशे की हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो आपको कुछ अफसोस है इस घटना के बारे में? अफसोस ये हो रहा है जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दवाई पी लूँ या आत्महत्या कर लूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई क्राइम नहीं करा, मुझे इस क्राइम में फंसाया गया उन लोगों ने। थाना गागलहेड़ी पर दिनांक 16/9 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। एक युवती जो लखनऊ से घूमने के लिए देहरादून आए हुए थे, देहरादून ISBT के पास कुछ लोगों द्वारा जब वो लिफ्ट चाह रहे थे अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया था। उसके बाद उसको सहारनपुर में थाना गागलहेड़ी में लाया गया था और नशीला पदार्थ दे करके उसके साथ दुराचार किया गया था और ये मुकदमा पूरी तरह अज्ञात था। हमारी सर्विलांस टीम CO सदर और थानाध्यक्ष गागलहेड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस पर कार्रवाई कर रहे थे कि इस घटना से संबंधित दो अभियुक्त अफजल अमजद और सलाउद्दीन दो की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। तीन अभी इसमें गिरफ्तारी होने शेष है। News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।